सभी बच्चों का लेखांकन बही खाता के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी का एक वो टॉपिक जो किसी कारण से हमारे अध्ययन में नहीं आ सका, बीमा पॉलिसी के समर्पण मूल्य को संपत्ति मानना। इससे पहले मैं इस टॉपिक का एक हल्का सा रिविज़न कर दूँ। मैंने इससे पहले आपको ये पढ़ाया कि जो बीमा पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जिसे हम बोलते हैं, जनरली वैसे तो बीमा पॉलिसी दो तरह की होती हैं, एक तो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी और दूसरा व्यक्तिगत या पृथक जीवन बीमा पॉलिसी। इसमें सबसे पहले संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो चार विधियाँ हैं, और वो चार विधियों में पहली है कि आप प्रीमियम की राशि को व्यापारिक व्यय माने। इसमें आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करना होता है, फिर आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ अंतर है कि आप जब इसे एक्सपेंस मानते हैं तो प्रीमियम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, फिर पॉलिसी की राशि मिलती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, फिर साझेदारों में बांटते हैं तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे ये एंट्री करते हैं। अगर आप प्रीमियम की राशि को विनियोग मानते हैं तो उस दशा में जहाँ प्रीमियम शब्द आता था वो हट जाता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब भी आप प्रीमियम का पेमेंट करेंगे पॉलिसी की राशि मिलेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट करेंगे, और साझेदारों में आप जो रकम ट्रांसफ़र करेंगे वो क्या होगा, जो लाभ की रकम होगी वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो लाभ की रकम का मतलब ये है, ज़रा सा सुनना, आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट किया था जितना पैसा पे किया था उससे, ठीक है, फिर आपको जो पैसा मिला तो जाहिर सी बात है पॉलिसी की फुल रकम मिलेगी, फुल अमाउंट मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। मान लिया आपने जमा किए थे अभी तक सिर्फ समझने के लिए 20,000, ठीक है, आप 10-10,000 जमा करते थे, दो किस्तें जमा हुई और आपको जो मिले वो मिले 1,00,000, तो अल्टीमेटली जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 80,000 से एक्स्ट्रा आपको मिला है, ये आपका लाभ है। तो आप ये जो एंट्री करेंगे लाभ होने पर, लाभ से एंट्री करेंगे 80,000 से, और पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में 80,000 बांटे जाएंगे। इसका एग्जांपल भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। दोनों स्थितियों में जब आप इसको इन्वेस्टमेंट मानेंगे तो आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें समझें, जॉइंट लाइफ पॉलिसी को आपने यहाँ डेबिट किया 10,000 से, फिर 10,000 से, 10,000 से और फिर 10,000 से, ये कुल मिला करके 40,000 हुए चार किस्तों में, ठीक। फिर 1,20,000 आपको मिले, तो आपने 80,000 जो कि लाभ था उसको बांटा है पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक। ये तो बात रही पुरानी, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बीमा पॉलिसी के समर्पण मूल्य को अगर संपत्ति माने, अब अंतर क्या है, विनियोग और संपत्ति मानने में अंतर क्या है, ये बात आपको थोड़ा सा समझनी है, ध्यान से सुन लीजिएगा तो ही आपको ये अंतर समझ में आएगा। प्रीमियम की राशि का भुगतान करते समय संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को डेबिट और बैंक खाते को क्रेडिट करते हैं, परंतु इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष बीमा पॉलिसी के समर्पण मूल्य को संपत्ति माना जाता है। काम वही किया, प्रीमियम की राशि का भुगतान किया तो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को डेबिट किया और बैंक खाते को क्रेडिट किया, ये तो जब इन्वेस्टमेंट मानते हैं सेकेंड मेथड में उसमें भी यही करते थे, लेकिन इस विधि में प्रत्येक वर्ष बीमा पॉलिसी के समर्पण मूल्य को संपत्ति माना जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ समर्पण मूल्य महत्वपूर्ण है, उसमें जितना आप पे करते हैं उतने से एंट्री होती है, ठीक। यहाँ आप जितना पे करते हैं उतने से नहीं, समर्पण मूल्य से होती है। अब ये समर्पण मूल्य क्या होता है, आप जितनी धनराशि बीमा कंपनी में जमा करते चले जाते हैं, मान लिया 10-10,000 करके आपने चार किस्तें जमा की तो आपने कितना जमा किया, आपने जो जमा किया वो हो गया 40,000, और मान लिया आपने 40,000 जमा किया और सरेंडर मूल्य जो होगा, सरेंडर वैल्यू जो होगी वो 40,000 नहीं होगी। अगर आप तुरंत ये पॉलिसी सरेंडर करें यानी समर्पित करें यानी कि वापस करें तो बीमा कंपनी आपको इसमें से कुछ कटौती करके हो सकता है कि 30,000 रुपये वापस दे, तो जितना वो आपको कैश में देने के लिए वादा करती है कंपनी एट दैट मोमेंट बीमा कंपनी, दैट इज़ कॉल्ड एज सरेंडर वैल्यू या समर्पण मूल्य ऑफ द पॉलिसी, ठीक है, सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। तो इसको जरा सा ध्यान से सुनना कि इसमें जब आप संपत्ति मानते हैं, विनियोग नहीं मानते, तो जो ये जो 40,000 आपने जमा किए थे, 30,000 सरेंडर वैल्यू है, तो ये जो बीच का डिफरेंस है 10,000, ये क्या माना जाएगा, ये हानि मानी जाती है, और हानि जितनी होगी
यानी कि जमा की गई राशि में और सरेंडर वैल्यू के बीच में जो हानि होगी, जो डिफरेंस होगा, उसको हर साल पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है डेबिट साइड में, खर्चा मान के या हानि मान के, जो कि इन्वेस्टमेंट में नहीं किया जाता सेकेंड मेथड में। इसको फिर से सुन लीजिए यहाँ से। इन्होंने कहा कि ये काम तो वही करेंगे जो हम इन्वेस्टमेंट में करते थे, लेकिन इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष बीमा पॉलिसी के समर्पण मूल्य को संपत्ति मानते हैं, इसलिए संयुक्त पॉलिसी खाते को स्थित विवरण में केवल समर्पण मूल्य पर दिखाया जाता है। लेखा वर्ष के अंत में प्रत्येक वर्ष संयुक्त जीवन पॉलिसी खाते और समर्पण मूल्य के अंतर को लाभ हानि खाते में डेबिट कर दिया जाता है और संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते को क्रेडिट कर देते हैं उतने से। तत्पश्चात संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते का शेष समर्पण मूल्य के बराबर हो जाएगा और इसे स्थित विवरण यानी कि बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाया जाएगा। ठीक। किसी साझेदार की मृत्यु पर बीमा कंपनी से मिलने वाली राशि से बैंक खाते को डेबिट करेंगे। ये वही एंट्री है जो आप इससे पहले करते आए हैं, धनराशि प्राप्त होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ऐसी दशा में संयुक्त जीवन पॉलिसी खाता क्रेडिट शेष दिखाएगा और इसे लाभ मानते हुए साझेदारों के पूंजी खातों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस मेथड में जब हम संपत्ति मानते हैं जेएलपी को या जब हम उसे विनियोग मानते हैं, तो इन दोनों में एक अंतर है कि जब हम इसे विनियोग मानते हैं तो जितना हम चुकाते चले जाते हैं, जितना पे करते चले जाते हैं, उतने पूरे से हम उसे दिखाते हैं संपत्ति पक्ष में, और जो धनराशि हमें मिलती है उसके डिफरेंस को विनियोग लाभ मान लेते हैं और साझेदारों में बांट देते हैं। यहाँ क्या है कि यहाँ आप जितना पे करते हैं उसमें से जितना धनराशि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बीमा कंपनी हमें पे करने का वादा करती है, पे करती नहीं है लेकिन बताती रहती है कि हर समय किसी भी मोमेंट पे अगर आप उसे एनकैश कराएं तो उसे हम बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। और यहाँ सरेंडर वैल्यू से ही आप दिखाते हैं जब आप इसे संपत्ति मानते हैं। ठीक। सरेंडर वैल्यू और पे की गई धनराशि का या डिपॉजिटेड मनी का जो डिफरेंस होता है उसे हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, पूरी धनराशि का नहीं। पूरी धनराशि का करेंगे तो पहला मेथड हो जाएगा जब आप इसे एक्सपेंस मानते हैं। केवल डिपॉजिटेड मनी का और सरेंडर वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे लॉस मान के प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। बाद में जो धनराशि मिलती है तो जितना भी जेएलपी से आपका डेबिट रह जाता है यानी कि जो सरेंडर वैल्यू है और जो मिली धनराशि उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे लाभ मान करके साझेदारों में बांट दिया जाता है। तो ये एक मेथड रहा जिसे अभी हम समझेंगे। उदाहरण नंबर 25 में पहला हिस्सा उसी का है और दूसरा हिस्सा है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता तथा संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाता। ये दूसरा मेथड है, जरा इसे भी सुन लीजिए। जब प्रीमियम की राशि विनियोग के रूप में मानी जाती है, देखिए संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाता, ये सेकेंड मेथड भी आपने पढ़ा था कि जब इसको विनियोग माना जाता है, और यहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं। सेकेंड और फोर्थ में अंतर केवल इतना है कि उसमें संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाता नहीं खोला जाता और इसमें संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाता खोला जाएगा, बस इतना अंतर है। ठीक। इस विधि के अंतर्गत प्रीमियम की राशि का भुगतान करते समय संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते को डेबिट और बैंक खाते को क्रेडिट करते हैं। लेखा वर्ष के अंत में इसके बराबर धनराशि भेज चुके हैं सर आपको।